हेलो दोस्तों, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। मेरा आज मैं पहली दफे तुम्हारे वीडियो में आ रहा हूँ। हमारे धीरे बोलने वाली जो कि हमारे ससुर जी, उनका नाम वो नहीं है जो आप बोल रहे हो, थार सिंह जी की घर वाली हो। तो दोस्तों, ठंडे ठंडे मौसम के साथ यहाँ पे हमारा गोलथिया बन के तैयार हो गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और अभी भी बारिश ही लगी हुई है। और पहाड़ों का व्यू देखो कुछ इस तरह का हो रखा है। पहाड़ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बारिश आने के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन ठंडा भी उतना ही होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बाकी कल रात से बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, और बादलों की आवाज़ तो इतनी तेज़ आ रही थी ना, कसम से मुझे ना बारिश से उतना डर नहीं लगता। मतलब बारिश कितनी भी आ जाए कोई बात नहीं, अगर लेकिन बादलों की आवाज़ आ गई ना, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। तो इस वजह से मैं सुबह भी थोड़ा लेट में उठी, उसके बाद नाश्ता नुस्ता बनाया, और अभी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि ना बिस्तर से उठने का मन कर रहा है, ना चूल्हे से उठने का मन कर रहा है। तो मम्मी भी बैठी हुई है चूल्हे पे, मम्मी से भी आप लोगों को वहीं पे मिलाती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जा रखे थे ऊल लेने के लिए, यानी कि सूखा घास लेने के लिए। तो वो घास ना इसीलिए स्टोर करा रहता है, अगर कभी बारिश बुरिश आ गई तो घास घूस के लिए इधर उधर जाना तो होता नहीं है, तो वो घास भैंस के काम आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उस दिन 2 भारी घास के लेके आ गए थे, और हरा घास तो हमारे घर के अगल बगल है ही, मतलब पेड़ वगैरह हैं ही, तो काम चल जाता है बारिश के मौसम में, नहीं तो इतने ठंडे में कहाँ जाएंगे हम लोग घास के लिए। बाकी ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पापा जी भी कल शाम को आ गए थे घर। आज के ब्लॉग में आपको पापा भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं चलती हूँ चूल्हे पर आग सेकने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों का नाश्ता तो हो गया है, लेकिन इन चिड़ियाओं के लिए भी मैंने यहाँ पे नाश्ता रख दिया है। मैं इनको ना हमेशा चावल डालती हूँ, कभी 2 टाइम कभी 1 टाइम, तो ये देखो हमेशा आते हैं यहाँ पे, बेचारे इस बारिश में कहाँ जाएंगे, क्या ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने इनके लिए यहाँ पे चावल डाल दिया। आप लोग भी ना चिड़ियाओं के लिए बाहर दाना रखा करो ज़रूर। हेलो दोस्तों, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। मेरा आज मैं पहली दफ़े तुम्हारे वीडियो में आ रहा हूँ। पहली दफे नहीं, कितने बार आए आगे वीडियो बनाते हुए पहली दफे आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक दोस्तों। तो आज पहली बार हमारे पति ने जो है कि कैमरा पकड़ रखा है, तो जरूर कमेंट में बताने हमारे पति देव कैसे लग रहे हैं और कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे कैमरा पकड़ रखा है। और बोलो कुछ, बोलो बस, क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, इतना भी बोल दे सुकर, समझो नहीं, तो लाइक कमेंट करने के लिए बोलो। हाँ, सब बढ़िया है, सब जितना भी है सब बढ़िया है। हाँ, सब नहीं, लाइक कमेंट करके लिए भी बोलो ना वहाँ, सब ठीक है, सब सही। मैं कैसे लगती हूँ आपको? बढ़िया, दिल से बोलना, दिल से ही तो बोलना। नहीं, दिल से बोल रहे तो कल इतनी बारिश क्यों आई, जब घर आ रहे तो आदमी बोलते हैं, हमारे पहाड़ों में कहते हैं जब कोई बल झूर झूर के आता है घर, मन नहीं करता घर आने का, मेरे आने के बाद बारिश हुई, क्यों रास्ते से बारिश लग गई, पापा के आने के बाद बारिश आई, यानी कि मम्मी झूर गई। और किसकी खुद लगी ज्यादा, किसके लगनी, परिवार की खुद लगी, परिवार की नहीं, परिवार में बच्चों की मेरी ज्यादा, बच्चों की तुम्हारी क्या, झूठ मत बोलो, मेरी लगी ज्यादा, हमारी साइड है ज्यादा। बाकी कैसा लग रहा है आज ब्लॉग बनाते टाइम, पहली बार अच्छा लग रहा है, अब देखेंगे वीडियो कैसे आते हैं। अब लगातार ऐसे पापा ब्लॉग बनाते रहेंगे, आप लोग कमेंट जरूर करना पापा के लिए कि पापा कंटिन्यू ब्लॉग करें या ना करें, ठीक है, और जरूर बताना पापा ने ब्लॉग कैसे बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं चूल्हे पे, और यहाँ पे बन रहा है हमारी भैंस का प्रोटीन शेक, है ना, प्रोटीन शेक बन रहा है दोस्तों। क्या करें बारिश में, अब हरा पेड़ काटना था तो बारिश लग गई, अगर बारिश थोड़ा कम हो जाएगी तो उसके बाद पेड़ भी काटेंगे, सूखा घास तो है। हाँ। और उसके लिए थोड़ा मैं झुंगरा और घर के चावल बना रही हूँ भैंस के लिए, जो हमारा ठीक है कि हम ऊल दे के आगे। हाँ, वो किस्मत सही रही सच में, नहीं। हाँ। तो घास के बदले क्या करते हम, सही बात। तो दोस्तों ऐसी बात है। हाँ। और मेरे पति देव ने जैसे भी वीडियो बनाया होगा, कमेंट उनके लिए करना, नाम मत रखना, नाम मत रखना कि इसका आदमी कैसे वीडियो बना रहे थे दोस्तों, वो पहली बार बना रहे हैं, पर धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा बोला पापा ने पहली बार, हाँ बहुत अच्छा बोला,
बोला कैमरे पे, वो घबराए नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो मना कर रहे थे मैं वीडियो में, वो तो जबरदस्ती में मना बुझा के उनको बाहर लाए। बाकी प्रोटीन शेक में इसमें क्या क्या मिला रखा है वो भी बताओ। इसमें बता दिया मैंने, झंगोरा है घर के चावल है जो की ओखली में कूट रखे है आपको पता है, वही भैंस के लिए बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और ठंड इतनी बढ़ गई क्या बताएं, उसका प्रोटीन शेक तो हो गया तैयार। हमारा प्रोटीन शेक क्या है, हमने तो खा लिया एक बार का प्रोटीन शेक। इस बारिश के मौसम में अगर गोलथिया हो जाता वो भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, करते हैं प्रोग्राम भी। है गोलथिया बनाने का प्रोग्राम बनाते हैं है। और बाहर देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई, डाल पर बिकना जान। क्या बोले, क्या बोला, बनाओ बोल, बनाओ बोल रहे हैं वो भी अंदर से। अब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आवाज खुलने लग गई अब धीरे धीरे। तो गोलथिया बनाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं। देखते हैं ना अभी, वैसे मीठा खाने का ज्यादा मन तो नहीं करता था, लेकिन इस मौसम में क्या पता बना भी दे, बना भी दे अगर मत्ती सटक गई। तो दोस्तों अभी बारिश थोड़ा हल्की हल्की होगी है, तो अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे हरा घास तैयार करने के लिए। और हमारे साथ आ रखी है कौन, हमारे धीरे बोलने वाली जो कि हमारे ससुर जी, उनका नाम वो नहीं है जो आप बोल रहे अवतार सिंह जी की घर वाली है। अब वो धीरे बोलने वाले चाचा नहीं रहे, अवतार सिंह हो गए, अब वो अवतार सिंह हो गए। चाची ऊपर से काट रही है पेड़। तो नमस्कार, ए जबड़ी कर आ, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। इतनी बारिश में आप लोग कहते हो बिना भैंस वालों के बहुत मजे है, ऐसे कर रहे हैं। घास काट रहे, नहीं, नहीं, इसने नहाना था ना, मैंने कहा यार मैं तो कल ही नहाए तो ऐसा कर। नहीं, जिसकी भैंस है वो तो छाता पकड़ के नीचे खड़ी हो रखी है, हैं अभी ना भैंस वाले डाल मुझे। बोला मैंने नहाना है, पहले मैं भीग जाती हूँ उसके बाद नहाऊंगी, तो मेरे को क्या चाहिए था। फिर घास वो काटते हैं तब बैठेंगे आराम से। सही बात, तो मैंने कहा चलो यार कल ये भीगी थी, मैंने नहाना था, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, बार के मैं भिगो सदा। बाकी किसी का कमेंट आ रखा था ना कि वो वाला गाना कि इन होली की उन होली, तो एक बार हम लोग यहाँ पे घास घूस तैयार करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो वाला गाना भी सुनाते हैं। आज अभी हम लोगों ने घास इकट्ठा कर दिया और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए ना, कसम से ऐसा लग रहा है बर्फ़ में हाथ रखे हुए थे, गढ़वाल में जिसको बोलते हैं हाथ चस्से हो गए, तो बहुत ज़्यादा चस्से हो गए हाथ। और बाकी आप लोग मेरे पास जो ये छाता देख रहे होंगे ना, ये बहुत साल पुरानी छाता है, मेरे दादा लोगों के टाइम की छाता है, और इतनी भारी होती है ना ये छाता, कसम से एक हाथ से पकड़ी नहीं जाती है, और ऊपर जो इसका कपड़ा लगा हुआ ना वो भी बहुत ज़्यादा मोटा है। तो हम लोग तो घर में इसी छाता को यूज़ करते हैं ज़्यादा, मतलब तो जब भी बारिश वगैरह आती है, बहुत ही मस्त छाता है और मेरे दादा लोगों की यादगार भी है, तो इसको हम हमेशा अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमारे घर पे कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, तो पापा उसको तुरंत ही ठीक कर देते हैं, मतलब कि पापा ऑलराउंडर है, घर में कोई भी चीज़ हमारी ख़राब रह ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे ये दरवाजा ना नीचे लग रहा था बार बार, उस पर आवाज़ आ रही थी, तो पापा जैसे घर आए तो सीधे उस दरवाजे पर लगे उसको ठीक करने के लिए, सब काम जानते हैं पापा A to Z। दोस्तों यहाँ पर हमारा गोलथिया बनना स्टार्ट हो गया है, गोलथिया यानी कि हलवा, हमारे पहाड़ों में गोलथिया बोलते हैं ना मम्मी, हम तो गोलथिया बोलते हैं दोस्तों। और आज हमारे गोलथिया मास्टर आ रखे हैं, यही गोलथिया अगर चूल्हे में बनता तो और ज्यादा टेस्ट आता। दोस्तों चूल्हे वाली कढ़ाई जो है ना वो छोटी हो गई थी, ये है गैस वाली कढ़ाई, इसलिए मैंने सोचा यही पे बनाते, मम्मी के पास नहीं इसमें ठंडे हो जाते हैं, मेरे पास ठंडे होते हैं, इनके पास ठंडे नहीं होते हैं। जब मेरा अनमोल हुआ था, जब मेरे सारे बच्चे हुए थे ना, इसके पापा मुझे हलवा बना के देते, बहुत ही ज्यादा टेस्ट अच्छा होता था, बहुत ही अनमोल के टाइम को मुझे याद है ना, क्योंकि हम भी खाते थे। और पापा जी कैसे लग रहे थे, इधर देखो ना, देखा नहीं, देखना पापा कैसा लग रहा है, बहुत टाइम बाद गोलथे बनाते हुए, बढ़िया लग रहा है। क्या हो रहा है, सब नई नई चीजें बन रहे हैं, ब्लॉग भी बन रहा है, गोलथिया भी बन रहा है ना, मीठा हो रहा है, वही तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे गोलथिया को। फिलहाल दोस्तों आपको दिखा सकते हैं, खिला तो नहीं सकते, क्या करें। हाँ, तो अभी हम लोग भी गोलथिया निकालते हैं, गरम गरम गोलथिया घी के साथ, तो दोस्तों ठंडे ठंडे मौसम के साथ यहाँ पे हमारा गोलथिया बन के तैयार हो गया है। ये हमारे गोलथिया मास्टर, पापा का नाम आज से गोलथिया मास्टर। तो पापा कैसे बना रखा है, मास्टर हैं, हलवा तो बहुत अच्छा बनाते हैं सच में। हाँ, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, बहुत अच्छी बनाते हैं, और इसमें घी भी डाला हुआ है, एक बार अच्छे से दिखाओ तो गोलथिया, ये तो देखो, ये देखो, इसमें घी भी डाल रखा है, और बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है दोस्तों, दिखने में इतना स्वादिष्ट हो रहा है तो खाने में और भी हो रहा होगा। आप लोग भी आ जाओ, क्या करें, हम तो खाली दिखा सकते हैं। सही बात है, कोई बात नहीं, कभी आओगे उसके बाद खिलाएंगे आपको अच्छे से, आपके लिए भी। हाँ, Thank you.
तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे अपने हिस्से का गुलथिया भी निकाल दिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है सही में। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों के यहाँ पे गुड़ के हलवे को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गुलथिया बोलते हैं। बाकी इस खूबसूरत मौसम के साथ गुलथिया खाने का अलग ही मजा है। तो फिलहाल अभी मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलते हूँ। दोस्तों फाइनली अभी गुलथिया खाने के बाद मम्मी के अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, मम्मी कह रही मैं वो गाना लगाऊंगी वाला जो कमेंट में बोला था, है ना। हाँ क्योंकि इतना अच्छे से हमको भी नहीं आता है, बट मैंने बोला था कमेंट में कि अगर आपको कोई गढ़वाली गाना सुनना है तो कमेंट में बताना, अगर हमें वो आता होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे। आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, जैसे भी होगी टूटी फूटी तो गाय देती हूँ बिल्कुल। इनी होली के उनी होली मेरी सोंजड़ा बांध कनी होली दो को जानी, इनी होली के उनी होली लाल होली बुरास जाने के होली फ्योली जाने पिंगड़ी वा फ्योली जाने पिंगड़ी डाली जाने सुर सुर्या की लगुली सी कुंगली वा लगुली सी कुंगली इनी होली क्यों नी होली मेरी सौंजड़ा वा बांध काने होली दो को जाने इनी होली क्यों नी होली। वाह वाह बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दे रखी थी, मेरे सब्सक्राइबर मेरे फॉलोअर्स और मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा बधाई दे रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पहले ही इतनी ज़्यादा बधाई देने की उतनी ज़रूरत तो नहीं थी, चलो आप लोगों का इतना बड़ा दिल है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मम्मी का गाना पसंद आया होगा, हमारा गुलथिया पसंद आया होगा और पहाड़ों का ये मौसम पसंद आया होगा। ये देखो आसमान कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है अभी बादलों के बीच, बाकी मौसम ना फिर से ऐसी हो रहा है, हल्की धूप आई थी थोड़ी देर पहले लेकिन फिर से बादल लगने लग गए हैं। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।